ये क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे करते हैं शावेज, ऐसे नहीं बुलाए होते हाँ? ये कौन सा तरीका है? बड़ी छलांगे मार रहे चलिए तो वेज आज बड़ा एक्टिव होके बैठा, पता नहीं क्या हुआ इसको छलांगे लेकर। हाँ जी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है भाभी की, क्या बात है? कौन सी खुशी आ गई आज आपको? हाँ जी कौन सी खुशी आ गई? ओ ये ना कुछ कहना चाहता है, मतलब ये इसकी कोई खुशी आई है, जोर की खुशी आई है, जो अंदर नहीं रख सकता और वो बाहर निकाल रहा है ऐसे ही। छलांगे मार, अब ये इसका दिल करता है कि मैं उठ के ना भागना शुरू कर दूं। अपने भागना, चलो आज मेरे साथ ये इसलिए अभी करना है शवेज को नहीं बुलाए क्योंकि इसको अभी करना है शवेज को नहीं बुलाए क्योंकि इसकी थोड़ी सी थोड़ी बहुत क्योंकि बच्चों की कंजेशन चलती रहती है, तो इसलिए बच्चों को नहीं बुलाए करते रहे साथ साथ तो बेहतर रहता है, अगर ना करें तो वो थोड़ा जो थोड़ा सा मसला होता है बढ़ते बढ़ते फिर बड़ा मसला आ जाता है। हम शवेज को कम से कम 24 घंटे में एक से एक या दो दफा इसको जरूर निकलाइज करते हैं ताकि ये फ्रेश रहे, इसकी जो सांस की नालियां हैं वो खुली रहे। डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया कि इसको ना निकलाइज करते रहा करें ताकि सर्दियां जो हैं वो अच्छी गुजर जाए। चलें आपको निकलाइज कर, चलें भाई निकलाइज कर, ये चले इसको खाओ, ये धुआं रहा है ये धुएं के खाओ। शवेज को थोड़ा नमकीन नमकीन लगता है क्योंकि ये सिलाइन होता है उसके अंदर वो सोडियम होता है, तो सोडियम थोड़ा नमक की तरह लगता है तो वो उसको खाने की कोशिश करता है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शवेज जो है न्यूबलाइज हो चुका है, अभी ये फ्रेश फील कर रहा है, तो अभी मैंने जाना है कुछ काम, मैं बाहर चलता हूँ काम करके आता हूँ और फिर वापस आके शवेज से मिलते हैं। ये क्या कर रहा था? माशाल्लाह शवेज जो है ना बड़ा हो गया, मेरे जितना हो गया, ये देखे मेरे सर के बराबर आ गए, छोटा सा था अब बड़ा हो गया। ये उधर देखो, उधर देखो, वो देखो, वो देखो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ खुश होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हैं। अभी शाम के 7 बजे हैं, मतलब रात हो चुकी है हल्की हल्की, और शवेज जो है अपने कमरे में बैठा है, अभी तक सोया नहीं, लेकिन उसको हमने अपने कमरे में बैठा है ताकि हम कुछ काम कर लें। आज एक यूनिक रेसिपी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो आए बनाते हैं और आप लोग भी देखिए कैसे बनती है, और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, तैयारी करते हैं। एक कप दही के अंदर 1 चम्मच बड़ा यीस्ट डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे ताकि जो यीस्ट है वो एक्टिव हो जाए। इसको अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स कर लिया है, अभी इसको रख लेते हैं और अभी जो आलू हैं इनको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। आलू जो है अच्छी तरह मैश हो गए हैं, अभी इसके अंदर एक अंडा डालेंगे हम, इसको अच्छी तरह आलू का मिक्स कर लें। अभी फ्राई पैन को हम चूल्हे पर रखेंगे और थोड़ा ऑयल डालेंगे इसके अंदर, ऑयल गर्म हो गया है, और एक डिमेने साइज का प्याज जो है मैंने चुप कर लिया था तो उसको भी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। और प्याज के साथ ये ग्रीन प्याज भी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूंगा एडिशनल। प्याज को फ्राई कर लेते हैं ताकि वो नरम हो जाए। फाइनली जो है हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, इस प्याज को अंडे और आलू वाले पेस्ट में हम डाल के मिक्स करते हैं। आधा चम्मच जो है सॉल्ट डालते हैं। मिक्सर के अंदर हमने वो दही और जो यीस्ट वाला मिक्सर बनाया था वो ऐड कर, मिक्सचर के अंदर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच और इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देते हैं। रेडी हो गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, अभी मैं मैदा जो है 1 प्याला डालूंगा, अगर और जरूरत पड़ी तो और भी डालेंगे।
माशाल्लाह आटा जो है मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। एक बात और है कि आप मैदे की जगह पे मैदे के साथ गंदम का आटा मिक्स कर भी यूज कर सकते हैं, और गंदम का अकेला आटा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हाथों को चिपक रहा है, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है हम ऑयल ऐड करेंगे ताकि हाथों को ना चिपके। तो माशाल्लाह पेस्ट जो है रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अभी इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये जो है स्टेबल हो जाए और ये यीस्ट का जो रिएक्शन है वो अच्छी तरह हो जाए। और इसको हम रैपिंग शीट से अच्छी तरह ऊपर से कवर करके इसको 30 मिनट के लिए रख देते हैं। कैंडी की जरा ये अपने सोना नहीं है शायद। हम लोग जो है उधर रेसिपी बना रहे हैं और इधर शिवेश को चेक कर रहे हैं। टाइम जो है तकरीबन इस वक्त जो है 11 बज चुके हैं, आप घड़ी चेक करें 11 बज चुके हैं। और शिवेश की ये कंडीशन है कि इसके सोने का कोई नामो निशान नहीं है, ये बिल्कुल अभी तक एक्टिव बैठा, ये तकरीबन शाम से 6 बजे से ऐसे ही बैठा कर ही जा रहा है। क्या हो गया अब सोना नहीं है, अब जाग ही जा रहे हैं, आपको तो कुछ मिलना नहीं है। ओ अशवेश आपने सोना नहीं है। अभी इसको पानी पिलाया है लेकिन उसके बावजूद इसको ना हिचकी लग गई है, हिचकी नहीं रोक रही है इसकी। कहते हैं कि हिचकी जो है ना बच्चों के लिए अच्छी भी होती है, तो ये इसके लिए अच्छी से इसको थोड़ी लेने दे ताकि इसका जो हाजमा जो है ना वो ठीक हो जाए। उसके सोने का कोई मूड नहीं है, ये बैठा है उधर सामने इसके जो है ना कार्टून चल रहे हैं, वो कार्टून देख रहा है और उसके सोने का कोई मूड नहीं। तो ये बैठे और हम लोग जो है रेसिपी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको फाइनल टच देते हैं। बाय बाय। चेक करें, ये कहता है कि मेरे पास बैठे गपशप लगाए आप कहीं ना जाए। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अब देखो शेर जवान तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, आटा जो है हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है, तो अभी इसको निकाल लेते हैं। तो डो जो है हमारी रेडी हो गई है, अभी हम हाथों को जो है ना ऑयल से थोड़ा ग्रीसी कर लेंगे ताकि हाथों के साथ ना चिपके, और इसके हम छोटे छोटे जो है ना वो पेड़ियां टाइप बनाएंगे। ये चीज को क्रश करके रखा हुआ, ये क्रश हुई चीज है, तो अभी इसको इस पेड़ी के अंदर डालेंगे और इसका फिर से हम बंद पेड़ी बनाएंगे। एक मैंने बना लिया है और बाकी के इसी तरह जल्दी भी बना लेते हैं और फिर उनको फ्राई करते हैं। पेड़े मैंने बना लिए हैं, उसके अंदर चीज मैंने डाल के अच्छी तरह उनको पैक कर लिया। चीज जो है ये भी ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो भी चल जाएगा। इनको हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह पके और अंदर से कच्चे ना रहे। तो लेट्स स्टार्ट फ्राई करते हैं। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन कलर आ रहा है और बहुत ही जबरदस्त ब्रेड बनने जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसकी साइड चेंज करते हैं और नीचे वाली साइड पे देखते हैं कि वहाँ कैसा कलर आया। माशाल्लाह ये चेक करें, माशाल्लाह जबरदस्त। फाइनली हमारे ब्रेड जो है फ्राई हो चुके हैं, इट्स लाइक अ डोनर्स, पंजाबी में से हम टिकड़े टाइप भी कह सकते हैं लेकिन ये अंग्रेजी वाले टिकड़े हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बने हैं, लुक में भी अच्छे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हैं। अभी आपको तोड़ के चेक करवाते हैं कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर से जो है ना चीज मजे की लग रही है। ये चेक कर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। इसको आप चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत मजा। अभी चाय बनाएंगे और फिर इसको चाय के साथ एंजॉय करते हैं। आप लोग भी बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। हाँ जी, रेडी हो गए आप?
अस्सलाम वालेकुम। आज विलाग का दूसरा दिन है, मतलब आज जुमा हो गया है और आप सब लोगों को हमारी तरफ से, शिविर की तरफ से जुमा मुबारक। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी रेडी हो गया हूँ जाने के लिए और शिवेश भी रेडी हुआ बैठा है अपने डे कर जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं, आज जुमा है और आज हम लोगों ने घर भी जाना है इंशाल्लाह, और शिवेश है इसी वजह से बहुत ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटेड है कि आज हमने घर दादो के जी के पास जाना है और फिर हम वीकेंड जो है वहाँ पे गाँव में अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। इट्स गुड, हाँ यस ये बहुत तैयार होता है, इसको जो भी कहो ना ये रेडी हो जाता है, फौरन से रेडी पे बैठा होता है कि मुझे भी कहीं एडवेंचर पे ले। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जो है अभी भी अपनी कैंडी पकड़ के बैठा, ये रात को भी उसने उठाई हुई थी और अभी भी उठा के बैठा हुआ।